अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आज का मौसम देखें, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है और काफ़ी सर्दी है। हमारे इस साइड पे किंडरगार्टन है तो यहाँ से अक्सर छोटे छोटे बच्चे पेरेंट्स लेकर आ रहे होते हैं किंडरगार्टन से। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आयत भी अगले साल किंडरगार्टन जाएगी। 3 साल का बच्चा यहाँ किंडरगार्टन चला जाता है। और आयत इस टाइम अभी क्या कर रही है वो मैं आपको दिखाती हूँ। की थी और आज मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ अपने ये रूम का हाल कि आयत साहिबा जब हों तो बस कहती है कि टॉयज हर चीज़ यूँ, ये जो मैंने रखी है सामने बास्केट इसको नीचे फेंक लेती है और इसमें से टॉयज निकाल लेती है। ये क्या कर रही हो आयत? ओ नेल पॉलिश लगा रही हो, नेल पॉलिश लगा रही है। और ये साथ साथ आयत आरिफ की नाते सुन रही है। आयत 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 की नाते सुन रही है। आयत आपको नात आती है? नात आती है आपको? बिल्कुल इंशाल्लाह नात भी पड़ेगी आयत। बस ट्वाइस ही ट्वाइस। अभी मैं ये सारा समेट के जाऊंगी। अभी मैं आपको सफाई करने से पहले बता रही हूँ कि ये रूम का क्या हाल है। और बस ये समेटो तो थोड़ी देर बाद ये सारे यूं बास्केट फेंकती है नीचे और ट्वाइस ही ट्वाइस बस कहती है कि हर जगह जहाँ मैं जाऊँ वहाँ ट्वाइस हो। मैं बनाने लगी हूँ शलजम, गोश, मटन और साथ चावल। तो हम लोग पालक भी डालते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। पालक, शलजम एंड गोश हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है चावलों के साथ। बट पालक नहीं है तो मैं शलजम गोश ही बना रही हूँ। बस अब मैंने खाना बनाने के लिए रख दिया है और अब मैं सफाई वगैरह करूँगी साथ साथ। प्लेट पे मैंने ये रख दिया है गोश, इसमें लहसुन अदरक एंड प्याज और ज़ीरा नमक डाल के ये मैंने गोश को उबालने के लिए रख दिया है। और फिर साथ भूनूंगी, इसमें मैं टमाटर, हरी मिर्चें और दूसरे मसाले डालूंगी और गोश को भूनूंगी। और इधर मैंने प्रेशर में रख दिया है शलजम को गलने के लिए, वो वहाँ गल जाएगा। तो ये जब गोश को मैं भूनूंगी उसके बाद मैं शलजम डालूंगी, उसको थोड़ा सा भूनूंगी, हमारी हड्डियाँ कम्प्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से सेटिंग हो गई है और अभी आप देख रहे हैं थोड़ी देर बाद फिर देखिएगा कि इस कमरे का क्या हाल होगा। यहाँ अब्दुल्ला परी आएंगे तो वो इससे ज़्यादा गन मचाते। ये देखें, ओह माय गॉड, आए तभी तो मैंने रखी है ये सारी चीज़ें। ये देख रहे हैं आप इसको बहुत शरीफ समझते हैं ना कि आयत बहुत शरीफ है, आयत बहुत अच्छी है, आयत तो तंग ही नहीं करती। ये काम है आयत के कि अभी ये मैंने सारे टॉयज उठाए और अभी कोई 2 मिनट भी नहीं हुए और ये इनका काम शुरू हो गया। आयत ये रखना किसने? इसको मैं ऐसा ऐसा बता भी रही हूँ कि इस तरह चीज़ें रखनी है। ये बास्केट में मैं इससे टॉयज रखवाती हूँ और इसके अंदर ये ब्लॉक वगैरह रखती है। जिन जिन के बच्चे हैं तो वो बताइएगा कि उनका घर साफ रहता है या नहीं। जब पहले आयत नहीं थी तो मैं कहती थी कि हमारे घर में कोई टॉयज नहीं है। हमारे घर कोई बच्चा भी आ जाता था ना तो उसको देने के लिए भी कोई टॉयज नहीं था, होता क्या हम इसको क्या दें। तो अब तो माशाल्लाह जहाँ देखो टॉयज। अभी भी इसका जो ना बाहर चले जाए मार्केट वगैरह तो बस कहती है बाबा ये दिला दो, बाबा वो दिला दो, टॉयज वाली जगह पे ले जाती है। क्या जो बाबा, बाबा मैंने ये लेना है। अब नहीं करने चले, ओके इसको नहाने का भी बहुत शौक है। यहाँ मटन को भुना जा रहा है और इधर शलजम बस गल गए हैं। इनको मैं चम्मच के साथ मैश करूँगी, यानी कि इसके साथ दोई के साथ इसको मैश कर लेंगे थोड़ा थोड़ा और फिर इसमें हम डाल देंगे ये। जब अच्छा सा और थोड़ा सा और भूनूंगी इसको मैं, और अच्छे से जब ये मटन अच्छे से भून जाएगा इसको ऑयल और ज़्यादा बाहर आ जाएगा फिर ये इसको शलजम को मैं इसके अंदर डालूंगी और फिर कोई 10-15 मिनट रखूंगी अच्छे से इसको, यानी कि भून के 15 से 20 मिनट के लिए रखूँगी। और फिर धनिया वगैरह हरी मिर्चें डालूंगी और हमारी हंडिया रेडी हो गई। होंगी तड़के वाले चावल, इसमें मैंने प्याज ब्राउन किया है, नमक डाला है और ज़ीरा डाला है। अब इसमें डालेंगे हम पानी ताकि थोड़ा सा इसका कलर निकल आए। आप सोच रहे होंगे कि चावल मैं इसमें बनाऊंगी, ऐसा नहीं है, राइस इसमें बनाऊंगी, राइस कुक में। और ये मैंने इसको मसाला जो ये प्याज फ्राई किए थे मैं चावलों में डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें इसको मिक्स कर दिया कि अच्छे से ऊपर नीचे से सारा
वो तड़के वाला मिक्स हो जाए पानी। अब आयत को भूख लगी है और आयत खा रही है पीस। सालन जो मैंने बनाया है उसमें से एक पीस निकाल के इसको वॉश करके यानी के पानी से धो के तो हम आयत को दे रहे हैं और इस तरह ये गोश्त खा लेती है। ये आप खा लोगी, मैं जाऊँ मैं अपना काम कर लूँ जाके? मैं नहीं जाऊँ, बाहर ना जाऊँ, काम ना करूँ? ओके चले, ये आप खाए, मैं आपके पास ही बैठी हूँ। थैंक यू को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो आप खाना खाओ। आयत सो गई है और 3:10 हो गए हैं और 4:30 बजे तक अब्दुल्ला एंड परी और उनके पापा आयत सो जाती, पूरे 3 बजे आयत सो जाती पक्का। आहिस्ता वो सो रही है, मेरी बात सुनो। मैं सोचा था काम भी सारे ख़त्म हो गए थे, मैंने कहा कि आया तो और मैं चले जाएंगे परी को लेने के लिए, बट वो पूरे 3 बजे सो जाती है मैडम। तो अब मैं उसे सोते हुए तो नहीं ना छोड़ के आ सकती। इसकी कटिंग मैंने की है, ये देखें कैसी हुई है कटिंग। कटिंग तो दिखाओ अब्दुल्ला, जिन बना हुआ था पेपरों के बाद में फारिग होके, तो इसकी मैंने कटिंग की है, ये देखें लाइन भी लगाई है। चलो डांस करके दिखाओ, डांस कर। अब लेबल ले, ठीक है क्या? अब ये देखना हमारी लैंडिंग कैसे होती है। लैंडिंग होने लगी है, हमारी लैंडिंग होने लगी है। प्लीज अपनी कुर्सियों की पट्टी बांध ले, होने लगी है लैंडिंग हो गई। वाओ, खुश हो गई भैया को देख के। होगी इसमें मैंने डाला है सलाद पत्ता, खीरा, टमाटर और चीज़ और प्याज, और अब डालने लगी हूँ ये है सलाद पाउडर, बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। इसके बाद हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। सलाद हमारी रेडी हो गई है। परी तुम्हारी नाक को क्या हो रहा है? जाओ साफ करके आओ, वॉशरूम में जाओ। हमारे घर बाकी वॉशरूम है। कौन है वॉशरूम में? बाबा और आयत। आयत चली गई है फेस वॉश करने, गए तो मैडम साथ ही चली जाती है। लोगों को बताना चाहिए मुझे स्नैपचैट पर फॉलो करें, और ये मेरी आईडी का नाम है प्रवशा, और इधर लाओ कैमरा, और ये मैंने ऐसे क्लिक किया है, और उसने इसने मास्क पहना हुआ है, ठीक है? तो ये मेरी बात सुना, ये आज तुमने ये लगाई है, कल तुम चेंज कर लोगी, रोज ही तुम्हारा ये काम है। मैं नाम एक ही रखती हूँ, मुझे अभी जाके फॉलो करें, मुझे अभी जाके आपको फॉलो करें। वो ढूंढ रही है आपको। बाबा तो वो है पीछे, वो उधर बाबा उधर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय।